दोस्तों 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद ज्यादातर इंडियंस के दिमाग में एक ही सवाल उठता है, व्हाई कांट आरबीआई प्रिंट अनलिमिटेड करेंसी। अगर आरबीआई ज्यादा पैसा छापता है तो इससे क्या कुछ नहीं हो सकता, गरीबी नहीं रहेगी, कोई भूखा नहीं मरेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। सपोज कीजिए 1 kg राइस का प्राइस 10 rupees है। अब दो इंसान हैं जिनके पास 10-10 rupees है और वो केवल 1-1 kilo राइस ही अफोर्ड कर सकते हैं। अब अगर आरबीआई ज्यादा पैसा छापता है तो वो दो इंसान ज्यादा राइस खरीद सकेंगे। अब ये बात शॉपकीपर को भी पता चल गई। अब वो शॉपकीपर राइस के प्राइस को बढ़ा देगा। जो राइस पहले 10 rupees किलो थे वो अब 20 rupees किलो हो जाएंगे। इन शॉर्ट ज्यादा पैसा छापने से पूरे देश में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और अनलिमिटेड पैसा छापने से हाइपर इन्फ्लेशन होगा। और अगर हाइपर इन्फ्लेशन होता है तो लोकल करेंसी की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डिवेल्यूएशन हो जाएगी, गुड्स की शॉर्टेज हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, लोगों की सेविंग्स बेकार हो जाएगी और लैंडर्स बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। 2008 में जिम्बाब्वे में भी हाइपर इन्फ्लेशन हुआ था। इसकी बात मैंने अपने ही एक वीडियो में करी हुई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।